नेक्स्ट है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब अगर स्पीड स्लो है या स्टेडी है या बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे केस में आपका फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, स्टेडी है। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी जब फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, क्योंकि जब बहुत तेज पानी मूव करेगा, लिक्विड मूव करेगा, तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा, उस कट ऑफ वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो आपकी अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से नीचे है तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, क्रिटिकल से ऊपर है तो फ्लो टर्बुलेंट है, ये याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंस है क्रिटिकल वेलोसिटी की। क्रिटिकल वेलोसिटी का अगर एक्सप्रेशन आता है प्रूव करने को, तो आपने क्या करना होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में ऑलरेडी आपने ये चीज की हुई है, हमने यूज भी किया था क्रिटिकल वेलोसिटी टर्म वहां पे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब, याद है एबीसी यूनिट्स एंड डायमेंशन से। तो यहां से क्रिटिकल वेलोसिटी इज सम कांस्टेंट ईटा रेज टू पावर ए, डेंसिटी बी, डायमीटर सी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, एल टी माइनस वन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस वन, डेंसिटी का मतलब एम एल रेज टू पावर माइनस थ्री और डायमीटर का मतलब एल, ऐसे। तो यहां से एबीसी के लिए सॉल्व करेंगे, इन्हें कंपेयर करके एबीसी सॉल्व करके एबीसी की वैल्यूज आएंगी, इन वैल्यूज को आप ओरिजिनल फॉर्मूले में पुट करेंगे और क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा। कि कांस्टेंट हमें मालूम नहीं क्या है, पर क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर आता है तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम ये ऐसे ड्राइव करेंगे अगर हमारे स्कूल में आता है।